शासन जितने इंतजाम कर रहा है परीक्षाओं में सेंधमारी की कोशिश भी उतनी रफ्तार में दिखाई दे रही है। दौसा की बात कर रहे हैं, दौसा में दो मामले, पहला दौसा दूसरा सीकर से सामने आए हैं। दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान दो गाड़ियों में चार लोगों को पकड़ा, उनकी तलाशी ली तो 5,60,000 की नकदी मिली है पुलिस को। पुलिस ने जब इनके मोबाइल की जाँच की तो सब कुछ साफ हो गया। दरअसल पकड़े गए आरोपी रीट परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बिठाने के गोरख धंधे से जुड़े हुए निकले और रीट परीक्षा में सफलता दिलवाने के नाम पर झांसा देकर पैसा वसूलने की बात में लगे हुए हैं। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। रिट परीक्षा 2021 संपन्न करवाना पुलिस प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दौसा ज़िले में पुलिस लगातार मुस्तैद है और चौकस है, जिसके चलते पुलिस ने एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार किए हैं। साथ ही उनके पास से लाखों रुपए की नकदी भी पुलिस को मिली है। हमारे साथ हैं दौसा SP अनिल बेनीवाल, इनसे बात करते हैं। सर, रिट परीक्षा को लेकर जो गिरोह आपने पकड़ा, किस तरह का गिरोह है और क्या इसका नाम है? देखो, ये रात को नाकाबंदी में हमने दो संदिग्ध गाड़ियां पकड़ी थी, जिसमें तीन लोग थे और कुछ कैश उनसे बरामद हुआ था 5.5 लाख के आसपास। और उस पूछताछ में वो कोई मतलब क्लियर कट उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो कैश कहां से लेके घूम रहे हैं। फिर उनको थाने लाके जब पूछताछ की गई डिटेल में, तब पता लगा वो रीत की भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है और इसका जो किंग पिन था सुमेर मीणा, थाना मानपुर इलाके का रहने वाला, सुबह हमने उसको भी डिटेन किया। और ये बेसिकली जो इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि जो एग्ज़ाम देने वाला है उसकी जगह किसी डमी कैंडिडेट को बिठा के हम आपसे एग्ज़ाम दिलाएंगे। इस तरह की इनकी चीज़ें सामने आई और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके हमने सबको अरेस्ट किया है। दोनों गाड़ियाँ भी जब्त की गई हैं और कौन कौन लोग इनके नेटवर्क में शामिल हैं और उनके ऊपर भी हमारी पूछताछ चल रही है। और ऐसे कोई अन्य लोग भी होंगे, जो भी इनपुट हमारे पास आ रहे हैं उसके ऊपर हमारी टीम लगी हुई है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और आपके माध्यम से सभी लोगों को, सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो ये प्रलोभन आप लोगों को दे रहे हैं उसके अंदर ना फंसें। ये ज़्यादातर इनमें से फेक कॉल्स हैं, ये बहुत सारे लोगों के पैसा ले के अपने पास रख लेते हैं, उनमें से जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनका पैसा ये खुद के पास रख लेते हैं, फिर बाकी लोगों को ये पैसा बाद में वापस कर देते हैं। इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी ये लोग करते हैं, पहले भी करते हुए हैं, क्योंकि मतलब जिस तरह की फुल प्रूफ तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं तो ये आप मान के चलिए कि पेपर सेंटर से बाहर निकल जाना या कोई उसके लिए डमी कैंडिडेट बिठा देना ये पॉसिबल नहीं है। SP अनिल बेनीवाल ने अभ्यर्थियों से भी अपील की है, कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसी गैंग के प्रलोभन में या झांसे में आकर पैसा नहीं दे और ना फंसे, नहीं तो कानूनी दायरे में वो भी आ सकते हैं। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा। एक व्यक्ति नीट के एग्जाम में नीट के कैंडिडेटों से जो एग्जाम दे रहे हैं उन कैंडिडेटों से संपर्क करके और पेपर लाने के बहाने कलेक्शन कर रहा है। इस सूचना पर गाड़ी की तलाशी गई तो मिल्खा डिफेंस अकेडमी के पास में वो गाड़ी संदिग्ध वहाँ मिले। टोटल हमने 3 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। इनका जो मैन सरगना है उसकी तलाश के लिए हमने टीम भेज रखी है, जो कि पेपर आउट करवाने का पेपर इन तक उपलब्ध करवाता। तो देखिए, दौसा सीकर के बाद सवाई माधोपुर में भी यही स्थिति देखने